मुस्लिम सुल्तानों में समलैंगिकता एक आवश्यक रूप की तरह मौजूद रहा है। फारसी काव्य महमूद गजनवी के अपने गुलाम मलिक अयाज से प्रेम का जिक्र मिलता है। महमूद गजनवी के हमलों के 140 साल बाद तक हिंदुस्तान पर गाजियों का हमला नहीं हुआ। सुल्तान के भतीजे की गाजियों की फौज को हिंदू लड़ाकों ने पैरों तले रौंद डाला। हिंदुस्तान पर अगला हमला गाजी सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किया। हजारों काफिर औरतों को उठा लाने की मर्दानगी दिखाने वाला सुल्तान गौरी अपनी बीवियों को कभी बच्चा नहीं दे पाया। इसके चलते आखिरकार उसने अपने हरम के लौंडो कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी और कुछ और कमसीन लड़कों को अपना वारिस चुना। सुल्तान गौरी के ही रिश्तेदार अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की बोटी बोटी चुनवा डाली। उसका बेटा आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा ही था कि ऐबक के हरम के एक गुलाम लौंडे इल्तुतमिश, जो इत्तेफाक से सुल्तान का दामाद भी था, ने उसका कत्ल कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी सुल्तान का करीबी हरमी लौंडा सुल्तान को बिस्तर में दगा देकर खुद सुल्तान बन चुका था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को मुस्लिम सल्तनत सौंपी, मगर तभी उसके बेटे रुकनुद्दीन ने धावा बोला और गद्दी छीन ली। अपनी सैकड़ों सौतेली माओं में से एक का कत्ल कर दिया। इसी रजिया ने बाद में गुलाम लौंडे के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करके मुस्लिम सल्तनत की इज्जत को चार चांद लगाए। यही लौंडा रजिया का मुख्य सलाहकार बनाया गया। पंजाब के गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत बुलंद कर दी। सुल्तान रजिया और उसके लौंडे आशिक को बंदी बना लिया गया। आशिक बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और सुल्तान रजिया को नए सुल्तान के बिस्तर पर इंतजार करने का फरमान मिला। इसी बीच रजिया के एक और भाई बहरम शाह ने दिल्ली का तख्त हत्या लिया। अल्तुनिया और रजिया ने विरोध किया, मगर वो काट डाले गए। गाजी अलाउद्दीन एक अव्वल दर्जी का लौंडेबाज था। इसके हरम के मर्द गुलामों में से एक मलिक काफूर था, जो इसका अजीज था। यह एक हिंदू बच्चा था जिसे इस्लाम कबूल करवा कर मुस्लिम सुल्तान ने लौंडेबाजी के अजीम रिवायत के लिए तैयार किया था। यही मलिक काफूर आगे चलकर अलाउद्दीन की फौज का सेनापति बनाया गया। फिर एक दिन काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार दिया।